जिले में किल कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार अथक प्रयास कर रही है। ऐसे में होम्योपैथिक चिकित्सक भी अपनी सेवाएं देने में जुटे। इसी के चलते वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान होम्योपैथिक संघ ने बताया कि संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग का महकमा कोरोना महामारी के बीच अपनी सेवाएं दे रहा है। ऐसे में वे भी कील कोरोना के बीच अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और उन्हें प्रशिक्षित कर महामारी से निपटने के लिए सहभागी बनाया जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। चिकित्सक संघ की तरफ से आए हैं और हम लोग BHMS डिग्रीधारी डॉक्टर्स हैं। अभी विगत तीन दिन पहले जो है प्रशासन ने एक कील कोरोना अभियान 4 के तहत जो एक निर्णय लिया है, जिसमें दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जो आपके RMP डॉक्टर्स हैं और बंगाली डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को भोला छाप डॉक्टर जिनको कहते हैं वो लोग, उनको प्रशिक्षित करके और उनको इलाज में लगाया जाएगा कि कोरोना के तहत किस तरीके से इलाज दिया जाता है। जबकि वो किसी भी पेथी में या किसी भी तरह से रजिस्टर्ड डॉक्टर्स नहीं हैं, उनको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता, उसके बावजूद जो है सरकार ने इस तरीके का निर्णय लिया है, खास करके खरगोन प्रशासन ने, कि उन लोगों को प्रशिक्षित करके ट्रीटमेंट के लिए लगाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का विरोध है कि जो 5.5 साल की डिग्री होल्डर BHMS BAMS DUMS डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को इस अभियान में लगाया जाना चाहिए जो वर्षों से अपनी सेवाएं मरीजों के बीच दे रहे हैं। तो बंगाली डॉक्टर्स और RMP को इस तरीके की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संतोष यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।